वेलकम टू स्कोप कंप्यूटर्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 3D मॉकअप कैसे बनाया जाता है कोई भी डिज़ाइन का। लेट्स से हम कोई एक बॉक्स का डिज़ाइन जो बनाया है, उस बॉक्स के डिज़ाइन को 3D में कैसे प्रेजेंट करेंगे, 3D मॉकअप कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास जो डिज़ाइन है वो बनी भी होनी चाहिए। हमने पहले से ही इसमें कुछ डिज़ाइंस बना रखी हैं हमें मॉकअप तैयार करने के लिए, तो उसको मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेता हूँ। एज ए इमेज फॉर्मेट हमने उसको सेव कर रखा है, क्योंकि ये डायरेक्ट इमेज फॉर्मेट ही लेता है। तो ये सब हमारे पास ये कुछ बॉक्स के डिज़ाइंस हैं जिनको कि हमने इसमें इलस्ट्रेटर में बनाया है, और उनको इमेज में कन्वर्ट करके यानी कि JPG में सेव करके हमने इसको रखा है, ताकि हम ऐसे बॉक्स के वेरिएंट में हम इसको शो कर सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि भाई इसको हम कैसे मैनिपुलेट करके एक बॉक्स मॉकअप बना सकते हैं। जैसे ये है, हमने ये बॉक्स लिया है, ये इसके लिए टॉप के लिए बना रखा है, और ये इसके फ्रंट के लिए हमने ये डिज़ाइन कर रखा है। तो इन इमेजेस को हम क्या करेंगे, एम्बेड कर देंगे। सबसे पहले तो एम्बेड करने के बाद में सिंबल की जो पैलेट है, उस सिंबल पैलेट में हम इसे ऐड करेंगे इन सभी को। ये जो स्ट्रिप्स दिख रही हैं, ये हमने अलग जो भी एक व्यू में हमें दिखाई देता है बॉक्स है, सपोज़ कीजिए कि भी हमारे पास ये बॉक्स है। एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ से ऐसे बॉक्स बना करके मल्टीपल बॉक्सेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, एज ए एक पर्सपेक्टिव शेप बना सकते हैं। इसी को मैं ऑल्ट के साथ ड्रैग करता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया, अब इसको मैंने ऐसे और कंट्रोल के साथ में या विदाउट कंट्रोल में इसको कन्वर्ट टू कर्व करके चेंज कर सकता हूँ। ये मैंने पोर्शन लिया फ्री ट्रांसफॉर्म की हेल्प से। ये जो फ्री ट्रांसफॉर्मेशन टूल है, यहाँ से हम लेंगे इसको फ्रीक्वेंटली, हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। छोटा बड़ा जैसे भी लेना है, इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम, जैसे मैंने ये किया पर्सपेक्टिव एक शेप ले लिया, इसी के डायरेक्शन में ये लेते हुए एक पार्ट ये बनाया। ठीक इसी तरह से इसी को मैं अगर मैं डुप्लीकेट करता हूँ और थोड़ा छोटा करते हुए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से इसको मैं एज को फ्री हैंडली एक सिंगल एज को मैं इसको यहाँ ला के टच करा देता हूँ, और ये एक हमने बॉक्स बनाया। ये एक तरीका है। अब यहाँ हम इसमें ये जो है इमेज को प्लेस कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और उसके साथ में ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से हम इसको अरेंज कर सकते हैं ऑर्डर इसका। इसे हमें कुछ इस तरह से स्ट्रेच करके लगाना होगा। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी मैं ये चीज़ सेम कर सकता हूँ, उसको प्लेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से ऊपर लाएंगे, और इसे अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रेच करके लगाना होगा इस तरीके से, और फिर इसे भी हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से चेंज करेंगे। तो ये चीज़ हम इतना इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं, इसके लिए हमारे पास टूल दे रखा है 3D टूल। उस 3D टूल की हेल्प से हम बनाएंगे। अगर हमें सिर्फ बॉक्स ही बनाना है और इस तरह से फ्रंट व्यू ही दिखाना है, तो हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो था कि हम ऐसे बॉक्स बना करके इस पर हम डिज़ाइन प्लेस कर सकते हैं, और स्ट्रेचिंग वगैरह करके हम इस पर ऐसे लगा सकते हैं इस तरीके से। लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा इसमें रिजल्ट हम नहीं दे पाएंगे। तो अब इसको अगर हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करते भी हैं तो इमेज स्ट्रेच हो जाती है, और ये डायरेक्शन सिलेक्शन टूल जो है इमेज पर काम भी नहीं करता है। तो इसके लिए हम दूसरा प्रोसीजर करेंगे, वो है 3D। तो मैं अब 3D पे पार्ट पे आते हैं। इसको मैं यहाँ वापस अपनी पोजीशन पे ले आता हूँ, कंट्रोल जेड करके नॉर्मल इसकी पोजीशन पे ले आते हैं। तो हमारी ये इमेजेस हैं, इन इमेजेस को हमें अप्लाई करना है 3D बॉक्स में। बॉक्स का जो भी साइज़ लेना है वो साइज़ ले सकता हूँ मैं यहाँ से, और जैसा मैं बता रहा था सिंबल में इन सभी इमेजेस को ऐड करना होगा। सिंबल हम पैलेट ओपन करेंगे, विंडो मेन्यू में जाते हुए सिंबल का पैलेट ओपन करेंगे, और इस सिंबल पैलेट में इनको हम ड्रैग करके एज ए मूवी क्लिप हम ऐड कर देंगे इस सिंबल की लिस्ट में। ये मैं इस तरह से इसको किया, इसी तरह से बैक साइड, हालांकि हमें तीन साइड दिखानी होती है। तो ये एक साइड हो गया फ्रंट का, ये टॉप का साइड हो गया, और ये राइट साइड या लेफ्ट साइड जो भी हम कर रहे हैं, तो हमने ये तीन पोजीशन ले लिए। इसके अलावा एक छोटा सा स्ट्रिप अगर हमें बनाना है तो उसके लिए भी मैं ये दो ऐड कर देता हूँ यहाँ से, और इसको भी मैं ले लेता हूँ। अब जब सिंबल में जब हम ऐड कर देते हैं तो इनका अब यहाँ कोई रोल नहीं है, आप हटा सकते हैं।
मैं दो तरह के बॉक्सेस बनाऊंगा। देखो सबसे पहले पहले तो ये बनाता हूँ, इस बॉक्स को मैं करता हूँ, इफेक्ट मेन्यू में जाएंगे, 3D में जाएंगे और इसमें हम यूज़ करेंगे एक्सट्रूड एंड बेवल, ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। तो एक्सट्रूड एंड बेवल, अब डायरेक्शन क्या चाहिए, इसी वे में चाहिए तो ऐसा कर लो, अगर आपको अपोजिट चाहिए तो आप इसको ऐसे यहाँ से देखिए, हम जैसे चेंज कर रहे हैं डायरेक्शन, तो ये मैं इस पोजीशन में इसको दिखाना चाहता हूँ, इतना ये जैसे तीन साइड दिख रही हैं इक्वली, तो मैं ये इतना दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से इसकी एक्सट्रूड कितना लेना है, पीछे की तरफ कितना ले जाना है, बॉक्स कितना बड़ा दिखाना है, वो मैं ऐसे, तो मेरा जो टॉप का जो है उसके अंदर डिज़ाइन जो है काफ़ी चौड़ा है, तो उसकी मैं विड्थ जो है पीछे की तरफ मैक्सिमम ले जाता हूँ, 400 ले लेता हूँ लेट से। और 400 लेने के बाद में एक बार तो मैं इसको ओके करता हूँ, ये हमारा एक 3D बॉक्स बन गया। अब हमें क्या करना है, फ्रंट में एक इमेज लगानी है, यहाँ पर इमेज प्लेस करनी है और यहाँ एक इमेज प्लेस करना है। तो चलिए, हमने इमेजेस को सिंबल पैलेट में ऑलरेडी ऐड कर दिया है, जो भी डिज़ाइन हमने बनाया था इलस्ट्रेटर के अंदर, और उसको JPG में कन्वर्ट करके ये मैंने बना दिया। अब हम आते हैं वापस, अब जब इसको एडिट करना है तो एडिट करने के लिए हमें अपीयरेंस पैनल ओपन करना होगा। तो अपीयरेंस पैनल के लिए मैं यहाँ पर विंडो मेन्यू में आके अपीयरेंस पैनल ओपन करता हूँ। यहाँ से जो हमने 3D एक्सट्रूड एंड बेवल का जो लिया है, इस पर डबल क्लिक करेंगे ताकि वापस ये इसी एडिटिंग मोड में जा सकें। नेक्स्ट इसके अंदर है मोर ऑप्शन, मोर ऑप्शन से हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं कि दो लाइट लगा सकते हैं, कि भाई एक इधर लगा लिया, एक इधर की तरफ सामने की तरफ लगा लिया, बॉक्स की शेडिंग वगैरह दिखानी हो तो यहाँ हम प्लस करके एक और नई लाइट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बैक साइड में दिखाना है तो बैक साइड में दिखा सकते हैं, इसको फ्रंट में लेना है ऐसे, तो ये ऐसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर इमेज ऐड करनी है, तो इमेज ऐड करने के लिए हम फ्रंट यूज़ करेंगे मैप आर्ट। मैप आर्ट में आएंगे, यहाँ हमारे पास जो है ये फ्रंट, ये जो रेड कलर में जो मार्किंग हाईलाइट हो रही है, इट मीन्स यहाँ इमेज लगेगी। इसके साथ साथ में इसमें जो 16 साइड्स बता रहा है, तो एक यहाँ बैक साइड हमें यहाँ प्लेस नहीं करना है, यहाँ हमें ज़रूर प्लेस करना है, बॉटम में हमें नहीं करना है, उस तरफ लेफ्ट साइड के भी हमें नहीं करना है, टॉप में करना है। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट में, तो फर्स्ट में हम सेलेक्ट करेंगे हमारा जो भी डिज़ाइन, जैसे मैंने ये सिंबल है न्यू सिंबल के नाम से पहले ये ऐड किया था, तो ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट ये नहीं है, फ्रंट मेरा ये है, ये भी ये साइड व्यू है, लेफ्ट व्यू, फ्रंट हमारा ये है, यस, तो ये हमारा फ्रंट है। अब इसको यहाँ हमारे पास ये जो स्क्रीन दिखाई दे रही है, इसमें हमें दिखाना है, छोटा बड़ा जो भी करना है हम यहाँ पे इसको छोटा बड़ा कर लेंगे लाइक दिस। फिर प्रीव्यू ऑन ऑफ करके भी हम इसको ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, शेड कर सकते हैं, आर्ट वर्क में शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इस तरफ लेफ्ट साइड की तरफ, सॉरी राइट साइड की तरफ, राइट साइड में मुझे ये शो कराना है, इसको मैं यहाँ स्ट्रेच जितना भी करना है उतना मैं कर सकता हूँ। अब देखिए ये रोटेटेड आ रहा है, जबकि हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, दोबारा इसको लगाता हूँ यहाँ से, ये लेके वहाँ हमें ये ऐसे दिखा रहा है, इसको हम रोटेट करेंगे यहीं पे, यहाँ से हम रोटेट कर लेंगे और स्केल टू फिट ऑप्शन से इसको स्केलिंग कर लेंगे। थोड़ा सा स्लो हो जाता है प्रोसेस इसके अंदर 3D के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी सारी डेप्थ को यूज़ करते हुए काम करता है, तो ये थोड़ा स्लो हो जाएगा। इसको मैं रोटेशन ऐसे इसको सेलेक्ट करके कोई भी एक रोटेशनल ग्रिप से हम इसको रोटेट करते हुए इसको स्केल टू फिट कर देते हैं, तो ये जो अपना बॉक्स है उसमें एग्जैक्टली ऐसा फिट कर देगा। जो उल्टा हो गया, इसको हमें लेना है ऐसे, इसको हमें मैनुअली करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने हॉरिजॉन्टल, चूँकि हमारी डिज़ाइन जो हमने जो बनाई है उसमें हमने इसको स्ट्रेच नहीं किया, ये आ गया हमारा। अब इसको मैं ऐसे, अगर मैं स्केल टू फिट कर देता हूँ ऐसे, अभी देखिएगा वापस स्केल टू फिट करने पर ये पुरानी पोजीशन जो इसकी थी वो उस पर ले आएगा, तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरे हिसाब से इसको रोटेटेड, तो मैं अपने हिसाब से इसको स्ट्रेच करूँगा मैनुअली और रिसाइज कर दूँगा, तो ये इस बॉक्स की जो रेंज दिखाई दे रही है यहाँ पे बरोबर फिट बैठ जाएगा। थोड़ा और ऐसे विड्थ एंड हाइट यहाँ से बढ़ाएंगे, पूरा इसकी रेंज में लेंगे इसको। एक बार तो पहले इसका रोटेशन पॉइंट सीधा कर लेता हूँ, ये मैंने ये देखिए कुछ इस तरह से फिल कर दिया,
नेक्स्ट आते हैं, टॉप में लगाना है, बॉटम में नहीं लगाना है। तो मैं ये टॉप पे आता हूँ, ये टॉप, टॉप में कौन सा सरफेस यूज करना है, ये वाला, ठीक है। ये मैंने फिट किया, इनविजिबल ज्योमेट्री ऑन करेंगे जिससे कि वो जो ब्लैक शेड में जो दिखाई नहीं दे रहा है इसमें दिखाई देने लग जाए। शेडिंग करना है ऑन तो शेडिंग भी ऑन कर सकते हैं। इसको हम स्केल टू फिट कर सकते हैं, स्केल टू फिट। अब देखिए हमारे पास ये जो इमेज बॉक्स में जो दिखाई दे रही है मॉकअप में, ये थोड़ा अपोजिट हो गया है, तो मैं इसको डायरेक्शन इसका चेंज कर लेता हूँ रोटेट करते हुए, कि इसको मैं ऐसा दे देता हूँ, ठीक है। अब ये हमारा सही पोजीशन पर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रंट में हमारे बॉक्स में क्या इमेज है, नहीं है, रीसेट कर दिया था, इसको वापस मैं अप्लाई करता हूँ, ये आ गया, ओके। इसको हम स्केल टू फिट कर सकते हैं यहाँ पर, ओके। तो देखा फ्रेंड्स हमने किस तरह से, अब जैसे ये जो शेडिंग है मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं एक हटा देता हूँ, एक ही सिंगल चाहिए तो मैं सिंगल रख सकता हूँ। इसका शेड का डायरेक्शन सामने की तरफ रखना तो सामने कर लेंगे, कलर इसके जो हैं वैसे दिखा देंगे। अब चूंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इमेज अप्लाई कर रहे हैं, तो इमेज पर ये काम नहीं करेगा, ये काम करेगा जो भी हमने कलर यूज़ किए हैं उस पर ये काम करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैप आर्ट की हेल्प से एक मॉकअप तैयार किया है, ओके करेंगे। इसको भी हम अपीयरेंस को बंद कर देंगे। ये जो बॉक्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी जो रेक्टेंगल की जो शेप है वो बाउंड्री दिखा रहा है, ये बाउंड्री हम चाहते हैं नहीं दिखाई दे, तो इसको हम अपीयरेंस इसका चेंज करेंगे। इसको हम करेंगे यहाँ से ऑब्जेक्ट एक्सपैंड अपीयरेंस, तो इस अपीयरेंस को चेंज करके इसमें कन्वर्ट कर देगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपीयरेंस पैनल पर जाते हैं, अपीयरेंस पैनल में देखते हैं, तो वो सारा इफेक्ट जितना भी था इससे पहले हम एडिट कर रहे थे, अब हमें लगता है कि हमें कोई एडिट नहीं करना है, तो उस कंडीशन में ही हम इसका अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, इसको नॉर्मल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये ग्रुप ऑब्जेक्ट हो गया, कंटेंट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिंपल सा ये एक बॉक्स डिज़ाइन हो गया है। तो ये तरीका है। अब इसी तरह से एक छोटा सा स्ट्रिप बनाना है इसके साइड में रखने के लिए मुझे, तो ये तो हुआ बड़ा बॉक्स पैकिंग की, बड़ी पैकिंग। इसी तरह से अगर छोटी पैकिंग बनानी हो तो वो भी हम यहाँ क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल शेप लेंगे, ठीक है। इस रेक्टेंगल शेप का भी डायरेक्शन हम वैसे ही रखेंगे जैसा हम चाहते हैं, इसके हाइट वेट जो लेना है वो लेते हैं। एक्सट्रूड एंड बेवल इफेक्ट पे जाएंगे और इसका डायरेक्शन वही हम चेंज कर देते हैं कि भाई यहाँ से इसको वे ऐसे दिखाई दे, सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी रखना है वैसा हम लेंगे। और विड्थ जो है कस्टम है इसकी, ठीक है 50 विड्थ, ठीक है 40 कर सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिप वाइज ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स काफ़ी सारे प्रोफाइल दे रखे हैं बेवलिंग के, अगर आप बेवल्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो करिए, अदरवाइज प्लेन रखिए, नन। अब हम बात करते हैं इसके अंदर मैपिंग करनी है हमें, तो मैप करने के लिए हम तीन इमेज, सबसे पहला ये लेता हूँ मैं फ्रंट में, इसको स्केल टू फिट कर देता ताकि इसी एरिया में इसको फिट कर दे। और नेक्स्ट हम यहाँ पर आएंगे साइड में, यहाँ इसके अंदर हम यहाँ लगाएंगे, इसको हम फिट करेंगे स्केल टू फिट। देन नेक्स्ट टॉप में हमें दिखाना है, ये टॉप हमारा ये रहा, यहाँ हमें शो करना है इस स्ट्रिप को, और मैं ये ले लेता हूँ, एंड नहीं ये नहीं लेंगे, इसकी जगह हम ये लेंगे और इसे हम स्केल टू फिट कर देंगे। अब थोड़ा सा हमें ऊपर का भी स्ट्रिप दिखानी है, इसलिए मैं इसको 3D पोजीशन को इसकी चेंज करता हूँ कि मुझे ऐसे दिखे, ओके। रोटेशन थोड़ा इधर की तरफ, ये हमारा एक नेक्स्ट स्ट्रिप का, इसका जो अंदर का जो पार्ट है कि इस बॉक्स के अंदर क्या पैकिंग होगी, ये बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से पैकिंग में होंगे, तो ये एक मॉकअप हमने और तैयार कर लिया। इसको इस तरह से यहाँ पे रख के प्रेजेंट कर सकते हैं। इसे भी हम फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेरियंस अपीयरेंस की हेल्प से चेंज करके, ये हमने प्रोडक्ट मॉडलिंग जो करके दिखानी है, हमें बॉक्सेस वगैरह जो है दिखाने हैं, हमने प्रोडक्शन जो है करना है बाद में, लेकिन उससे पहले हमें प्रेजेंटेशन करना है, तो प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास डिज़ाइन तैयार है लेकिन मटेरियल हमारे पास नहीं है, तो उस मटेरियल को हम ऐसे बॉक्सेस बना करके शो करना चाहते हैं। तो इस 3D कमांड इफेक्ट मेन्यू 3D एंड एक्सट्रूड एंड बेवल की हेल्प से हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स 3D मॉकअप बॉक्स का बनाना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।